तो हम लोग टेम्पलेट लिटरल की मदद से डायनामिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास फ्रूट लिस्ट है जिसमें मैंगो ऑरेंज एप्पल है एंड सपोज कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं बनाना। अब मेरे को बनाना ऐड किया यहाँ पे, बनाना मेरे को शो हो गया। सपोज कुछ और ऐड करते हैं, कैरोट, यहाँ पे कैरोट मेरे को शो हो गया। तो इस प्रकार हम लोग डायनामिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल की मदद से। तो इस वीडियो में हम लोग टेम्पलेट लिटरल के बारे में देखने वाले हैं। टेम्पलेट लिटरल एक प्रकार का मेथड है जिसमें बोल सकते हैं ना कि हम लोग वेरिएबल और एक्सप्रेशन को किसी भी स्ट्रिंग लिटरल में इन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, लेट जो कि मेरे पास फर्स्ट नेम है, सपोज मेरे पास फर्स्ट नेम में है अनिकेत, ठीक है, एंड सपोज मेरे पास लास्ट नेम है, अब इसका मेरे को कुल नेम कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, एफ नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे फुल नेम लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको कंसोल करा लेंगे। अब मेरे को क्या मिल गया, अनिकेत, अनिकेत एंड कुमार, अनिकेत कुमार, लेकिन हम चाहते हैं अनिकेत और कुमार के बीच में स्पेस आए, इसके लिए मेरे को स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस, उसके बाद इस स्पेस को कंकेटिनेट करना पड़ेगा, मतलब प्लस देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। अब आ गया मेरे को अनिकेत कुमार। तो देखो ये तो मेरा पुराना तरीका है कंकेटिनेशन की तरह, ठीक है, बट हम लोग चाहते हैं स्ट्रिंग लिटरल की मदद से करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग कमेंट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, तो लेट फुल नेम लिखता हूँ, फुल नेम। अब यहाँ पे हम लोग बैकटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। बैकटिक कहाँ पे मेरे को मिलेगा, टैब के जस्ट ऊपर एंड ESC के जस्ट बिलो। अब इसके अंदर हम लोग डॉलर का साइन यूज करते हैं, डॉलर, ठीक है, डॉलर है, और उसके बीच, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। अब इसके बीच में जो भी वेरिएबल होगा ना वो लिखना पड़ेगा मेरे को, वेरिएबल क्या है, एफ नेम, एफ नेम लिख दिया। अब फिर दूसरा वेरिएबल क्या है, लास्ट नेम, वैसे सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, डॉलर का साइन, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, उसके बीच में जो भी वेरिएबल है लास्ट नेम मेरे को। अब देखो मेरे क्या मिल गया, अनिकेत कुमार, बट स्पेस चाहिए, दो दोनों के बीच में उसको स्पेस दे देंगे, जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस दे सकते हैं, कुमार हो गया, अनिकेत कुमार हो गया, ठीक है, और कुछ स्पेस देना चाहते हैं सपोज, तो स्पेस दे दिया और मेरे को मिल गया। अब हम लोग चाहते हैं ना अनिकेत मेरे को पहला लाइन में मिले, कुमार दूसरा लाइन में मिले, तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे एंड ये नीचे चल गया। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मतलब पहला लाइन में नेम फर्स्ट नेम है एंड दूसरा लाइन में लास्ट नेम है, अनिकेत कुमार मिल गया। सपोज हम लोग चाहते हैं अनिकेत कुमार के बीच में दो लाइन का गैप हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो लाइन का गैप दे देंगे, एक लाइन हो गया गैप, दो लाइन का गैप आ गया इसमें, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेशन का, हम लेट मेरे पास ए है 10, ठीक है, और मान लो कि मेरे पास बी है 20, ठीक है, अभी दोनों का सम क्या होगा मेरे को 30 आएगा। इसको हम लोग कंसोल कराना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, तो यहाँ पे बैकटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद डॉलर का साइन यूज करेंगे सपोज, एंड उसके अंदर जो भी वेरिएबल है मेरा वो पुट करना पड़ेगा, ए वेरिएबल है एंड बी वेरिएबल है, दोनों का सम चाहते हैं हम लोग, तो मेरे को मिल गया ए प्लस बी इज 30। और हम लोग चाहते हैं ऐसा लिखा हो कि सम ऑफ ए एंड बी इज 30, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बस स्ट्रिंग लिख देंगे यहाँ पर, द सम ऑफ ए एंड बी इज, देखो सम ऑफ ए एंड बी इज 30 आ गया, बट हम लोग चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं कि ए है ना, ए का जो वैल्यू हो वो यहाँ पर लिखा रहे एंड बी है, बी का जो वैल्यू हो वो लिखा रहे यहाँ पे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जो भी ए मेरा वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल के लिए क्या करते हैं हम लोग, डॉलर साइन, सॉरी डॉलर साइन एंड ओपनिंग एंड करली ब्रैकेट, सिमिलरली यहाँ पे भी डॉलर साइन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मेरे को। अब देखो मेरे को क्या मिल गया, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30 आ गया। मेरे पास एक गिवन स्ट्रिंग है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हम लोग चाहते हैं टाइम एंड टाइड दोनों को डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, अभी नॉर्मली ऐसे प्रिंट होगा, टाइम को डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे एंड टाइड को भी डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे, आ गया मेरे को टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन,
हम लोग चाहते हैं टाइम एंड टाइड केवल फर्स्ट लाइन में, एम ब्रेक प्रोनाउन सेकंड लाइन में, सिंपली इंटर डाल देंगे आगे हमारे। एंड हम लोग चाहते हैं वेट जो है ना वो सिंगल कोटेशन में, यहाँ पर सिंगल कोटेशन दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बैक टिक ऑपरेटर यूज करने से फायदा ये होगा कि मेरे को बैक स्लैश नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बैक स्लैश यूज नहीं करना पड़ा, या डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन के लिए मेरे को स्लैश यूज नहीं करना पड़ा, ये सब मेरे फायदा हुआ है। तो हम लोग टेम्पलेट लिटरल की मदद से डायनामिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास फ्रूट लिस्ट है जिसमें मैंगो ऑरेंज एप्पल है एंड सपोज कुछ और ऐड करना चाहते हैं, बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा बस, मेरे पास एरे है जो कि लिस्ट लिस्ट ऑफ फ्रूट है यहाँ पे, तो बस मेरे को लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा फ्रूट का देने में। सपोज हम लोग यहाँ पे ऐड करते बनाना, अब मेरे को बनाना ऐड किया यहाँ पे, बनाना मेरे को शो हो गया। सपोज कुछ और ऐड करते हैं कैरोट, यहाँ पे कैरोट मेरे को शो हो गया। तो इस प्रकार हम लोग डायनामिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल की मदद से। तो कैसे करेंगे अब उसको देखते हैं, पूरा सभी कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ फिर से लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, मेरे पास एक हेडिंग है ठीक है, जो सिंपली एक स्ट्रिंग लिया हूँ जो कि फ्रूट लिस्ट है। उसके बाद मेरे पास एक एरे है जिसमें फ्रूट का लिस्ट गिवन है। ठीक है, सपोज मेरे पास मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, कैरोट है, ठीक है, इतना मेरे को लिस्ट गिवन है। उसके बाद क्या किया, मेरे पास एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नॉर्मल जो सैंपल पेज होता हुआ है उसके अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी है जिसका आईडी हम लोग लिस्ट दे दिया है और इसी में लिस्ट को अपेंड करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे को H1 टैग में हेडिंग दिखाना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन करते हैं, लेट एक एचटीएमएल डिफाइन करते हैं, लेट एचटीएमएल इक्वल टू स्ट्रिंग लिटरल जिसके अंदर मेरा H1 टैग होगा। H1 टैग में क्या लिखा होगा वैल्यू, जो हेडिंग में जो वैल्यू लिखा हुआ है ना वही मेरे को वैल्यू यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट, इससे ये होगा जो भी हेडिंग में जो वैल्यू था वो मेरे को यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं, ये तो H1 टैग हो गया, उसके बाद हम लोग चाहते हैं इस लिस्ट को जनरेट करना, इसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप लगाएंगे और ऑफ लूप लगाएंगे। तो कॉन्स्ट मान लेते हैं लिस्ट ऑफ जो एरे है, एरे कौन सा मेरा ए डबल आर वाई, इसका लिस्ट को जनरेट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो HTML है ना उसमें जो भी लिस्ट आएगा ना सबको ऐड करते चले जाएंगे। पहले H1 टैग है, H1 टैग के अंदर में क्या आएगा, एक लिस्ट आइटम, फिर दूसरा लिस्ट आइटम, फिर तीसरा लिस्ट आइटम, चौथा, ऐसे लिस्ट आइटम आएगा। ठीक है, तो लिस्ट आइटम के लिए मेरे को ऑर्डर लिस्ट या ऑनऑर्डर लिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग HTML है ना उसके जब लास्ट में ऑनऑर्डर लिस्ट यूज कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको कट कर लेता हूँ। बस यहाँ पे क्या किया हूँ, ऑनऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लिया हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जो HTML बना, अब ऑन ऑर्डर लिस्ट बन गया, उसके अंदर कैसे ये लिस्ट आइटम चाहिए, तो लिस्ट आइटम यहाँ से ऐड करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, HTML लिखेंगे, HTML प्लस, ठीक है, मतलब HTML एंड पहले से जो HTML रहेगा ही साथ में, अभी हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट डिटेल की मदद से हम लोग लिस्ट आइटम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। लिस्ट आइटम लिख दिया, ठीक है, अब इसके अंदर डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट यूज करके जो भी लिस्ट का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो लिस्ट आइटम में यहाँ पे इंक्लूड करते चले जाएंगे। जब मतलब यहाँ पे मैंगो इंक्लूड करेंगे लिस्ट आइटम में, फिर ऑरेंज करेंगे, फिर एप्पल करेंगे, एंड जब सारा इंक्लूड हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओपनिंग ऑन ऑर्डर लिस्ट दिए थे, तो मेरे को क्लोजिंग टैग भी देना पड़ेगा इसके लिए। जस्ट फॉर लूप से बाहर निकलते क्लोजिंग टैग यूज करेंगे उसका। HTML क्या यूज करना पड़ेगा, मेरे को HTML में ऐड करना पड़ेगा, पहले से जो HTML है तो रहेगा ही, उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे ओपनिंग यूज किए थे, यहाँ पे क्लोजिंग करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब हो गया। उसके बाद मेरे को जो भी वैल्यू है, जो HTML जो बनाए हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मतलब लिस्ट में यानी बॉडी में अपेंड करना पड़ेगा, इसलिए यूज करना पड़ेगा मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिस्ट डॉट इनर HTML। ठीक है, डॉट इनर HTML में हम लोग HTML को असाइन कर दिए। अब देखो ये तो हो गया मेरे को। ठीक है, जैसे ही सेव किए मेरे को यहाँ पर लिस्ट दिखने लगा। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं ना कि ये सब जो भी लिखे हैं ना इसको एक फंक्शन में रख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको कट करता हूँ कंट्रोल एक्स एंड एक एनोनमस फंक्शन जो कि IIFE होता है, इमीडिएटली इनवोक फंक्शन एक्सप्रेशन, वो यूज करते हैं।
राउंड ब्रैकेट दो को ओपनिंग। अब इसमें फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होगा वो यूज करेंगे, फंक्शन अब इसके अंदर हम लोग जो कट किया था वो पेस्ट कर देता हूँ बस। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया। तो मेरे को यहाँ पे लिस्ट दिखने लगा, ठीक है। और हम लोग चाहते जितना बड़ा लिस्ट है, टेम्पलेट बना लिए हम लोग, बस इस लिस्ट को जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। सपोज कुछ हम रिपीटेड कर देते हैं, इसको ही रिपीट कर देता हूँ, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। अब क्या हुआ, बस केवल क्या किया, एरे को हम लोग चेंज किया और कितना बड़ा लिस्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग टेम्पलेट डिटेल की मदद से लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा यदि हम कोड को देखें, ये है मेरा कोड। यहाँ पे मेरे को हेडिंग है, जो हेडिंग शो करना था वो लिख दिया। उसके बाद एक एरे है, एक डायनामिक एरे है, ठीक है। उसके बाद एचटीएमएल यूज किया है, जिसमें हम लोग H1 टैग यूज किए हैं, एंड H1 टैग में जो भी हेडिंग का जो वैल्यू था यहाँ पे आके इंक्लूड हो गया। उसके बाद एक ओपनिंग और अनदर लिस्ट यूज किया है, ठीक है। एंड फॉर लूप की मदद से हम लोग क्या किए, जो भी लिस्ट था वह एचटीएमएल के अंदर उसको ऐड करते चले गए हम लोग। मतलब पहले इतना एलिमेंट था, ठीक है, H1 था एंड अनदर लिस्ट था, अनदर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम जितना भी था वो ऐड करते चले गए हम लोग, ठीक है। जब सारा लिस्ट आइटम ऐड हो गया तो उसका क्या किया हम लोग, एचटीएमएल को क्लोजिंग टैग, जो ओपनिंग टैग यहाँ पे यूज किए थे उसका क्लोजिंग टैग दे दिए। उसके बाद जो भी एचटीएमएल आया उसको हम लोग बॉडी में अपेंड कर दिए, मतलब बॉडी में इंक्लूड कर दिए बस। इससे मेरा लिस्ट तैयार हो गया। तो इस प्रकार हम लोग टेम्पलेट डिटेल की मदद से डायनामिकली लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं।